दिखाएगी वही होगा जो सही। आप देख रहे हैं यूपी बुलेटिन लाइव, जो आपको रखे सबसे आगे सच के साथ। यूपी बुलेटिन लाइव जानसठ से बीपी शर्मा, सचिन धीमान की रिपोर्ट। जानसठ कस्बे के एम्बियंस एकेडमी स्कूल में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक दिवसीय अभ्यास वर्ग 5 सत्रों में सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ परिषद गीत के साथ माँ सरस्वती एवं स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा के सम्मुख दीप प्रज्वलित करके किया गया। कार्यक्रम का संचालन अनुभव भारद्वाज और मुस्कान शर्मा ने किया। रविवार को कस्बे में स्थित एम्बियंस एकेडमी स्कूल में वर्ग का उद्घाटन वर्ग के मुख्य अतिथि प्रांत अध्यक्ष डॉ. श्याम नारायण सिंह, प्रांत सहमंत्री वंदन कौशिक व प्रांत प्रमुख राष्ट्रीय कला मंच मनोज सिंह, नगर मंत्री आदित्य धीरवान ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। वही प्रथम सत्र को संबोधित करते हुए प्रांत सहमंत्री वंदन कौशिक ने छात्रों को विद्यार्थी परिषद की अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 75 वर्ष अमृत महोत्सव के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उसके उपरांत द्वितीय सत्र में डॉ. श्याम नारायण सिंह ने कार्यपद्धति एवं सैद्धांतिक भूमिका विषय पर कार्यकर्ताओं को जानकारी देते हुए संबोधित किया। तृतीय सत्र में मनोज सिंह ने कार्यकर्ताओं को सेवा कार्य विषय पर प्रशिक्षित किया। अंतिम सत्र में प्रांत अध्यक्ष डॉ. श्याम नारायण ने नवीन वर्ग की घोषणा की। मुख्य रूप से पूर्व प्रांत कार्यकारिणी सदस्य कपिल कुमार, नगर विस्तारक रजत कुमार, तहसील संयोजक कार्तिकी दीक्षी, निखिल सैनी, रविकांत, गौरी शंकर, अभिषेक आदि भारी संख्या में कार्यकर्ता। तो इससे संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आपके मस्तिष्क में आप पूछ सकते हैं, क्योंकि आपके मन में जो प्रश्न आ रहे हैं सहारनपुर जिला महानगर का, वहाँ पर अभ्यास वर्ग लगा था, तो वहाँ पर छात्रों ने बहुत प्रश्न पूछे। प्रदेश सहमंत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मेरठ प्रांत, आज अभावी मुजफ्फरनगर जिले का जिला अभ्यास वर्ग यहाँ जानसठ में संपन्न हो रहा है एम्बियंस एकेडमी में। यह अभ्यास वर्ग का जो उद्देश्य होता है प्रतिवर्ष प्रांत स्तर पर उसके बाद जिला स्तर पर अभ्यास वर्ग का आयोजन होता है कि जिससे कि विद्यार्थी परिषद जो कार्य पद्धति है, जो सैद्धांतिक भूमिका है, ऐसे आदि अनादि विषयों को लेकर के प्रत्येक कार्यकर्ता को प्रशिक्षित किया जा सके, ताकि जो हमारा उद्देश्य है राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का, उस पुनर्निर्माण के लक्ष्य तक विद्यार्थी प्रत्येक कार्यकर्ता प्राप्त कर सके। का किया जाता है जिससे कि एक संस्था का विकास होता है, इस हमारे परिषद का विकास होता है और इस राष्ट्र का जो पुनर्निर्माण का जो एक उद्देश्य लेके चल रहे हैं, हमारा मैं कहूँगा कि लक्ष्य लेके जो चल रहे हैं, उस लक्ष्य को प्राप्त कर सके हम लोग। और इसी तन्मयता से हमारे जो सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में हमारे जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विभिन्न जो जिले हैं, विभिन्न इकाइयाँ हैं, उनमें ये वर्ग लगाया जा रहा है, जिससे कि एक छात्र के अंदर वो राष्ट्रीयता की भावना जागृत हो सके। धन्यवाद। जय हिंद। का किया जाता है जिससे कि एक संस्था का विकास होता है, इस हमारे परिषद का विकास होता है और इस राष्ट्र का जो पुनर्निर्माण का जो एक उद्देश्य लेके चल रहे हैं, हमारा मैं कहूँगा कि लक्ष्य लेके जो चल रहे हैं, उस लक्ष्य को प्राप्त कर सके हम लोग। और इसी तन्मयता से हमारे जो सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में हमारे जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विभिन्न जो जिले हैं, विभिन्न इकाइयां हैं, उनमें ये वर्ग लगाया जा रहा है, जिससे कि एक छात्र के अंदर वो राष्ट्रीयता की भावना जागृत।